इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल जैसा कि आपने देखा, वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मात्र 1000 रुपये से, 1000 भारतीय रुपए से आप सभी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज कुछ ट्रेड्स हमने यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पे 380 रुपीज़ का प्रॉफिट हमको हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र 1500 रुपये में आप ट्रेडिंग करके पैसे अर्न कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे अर्न कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कम पैसे से ट्रेड कर रहे हो तो, और प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो तो आपको ये चीज़ें ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो ब्रोकर के साथ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी, इसका नाम है कोटक नियो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज जो है हमारा 0 लग रहा है, यानी जितने भी ट्रेड मैंने अभी तक किए हैं आप देख सकते हैं 10 से 12 स्क्रिप्ट अभी हो चुकी है और लगभग मैंने 30 ट्रेड डाल दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे अच्छा फायदा ये है कि यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 0 लग रहा है। तो सारा कुछ काटने पीटने के बाद भी यहाँ पे मेरे को 350 रुपये तक यहाँ पे बच जाने वाले हैं। अगर मैं किसी और ब्रोकर के साथ ट्रेड करता तो ये पैसे मेरे माइनस में होते हैं, मेरे को 400-600 रुपये घर से भरने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 ब्रोकरेज लग रहा है। तो कम पैसे में सबसे पहला आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए कि आप कोई 0 ब्रोकरेज वाला अकाउंट खोले। मैं आपको कोई लिंक नहीं दूंगा, आप जीरोधा या जीरोधा जानते हैं, जीरोधा कोटक नियो, यहाँ पे सॉरी जीरोधा एंजल वन और ग्रो के अंदर आपका जो है 20 रुपये का पर ऑर्डर का चार्ज लगता है, लेकिन कोटक नियो में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 ब्रोकरेज लग रहा है। आप इसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप कम पैसे से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ढूंढना है, सॉरी वो इंडेक्स आपको ढूंढना है जिसमें आज के दिन एक्सपायरी हो। तो अभी आपको पता है कि मार्केट के अंदर कई सारे इंडेक्स आ गए हैं और डेली के डेली यहाँ पे एक्सपायरी रहती है। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, यहाँ पे सेंसेक्स है, बैंक की एक्स है, मिड कैप निफ्टी है, हर एक इंडेक्स के अंदर अलग अलग डे एक्सपायरी हो रही है। तो हफ्ते में 5 दिन ही अकाउंट यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन रहता है और 6 इंडेक्स हो गए हैं, तो आपको डेली के डेली यहाँ पे जो है एक्सपायरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन जो है ये फिन निफ्टी में एक्सपायरी हमारी होने वाली है, ठीक है। फिन निफ्टी के अंदर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनी है यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे 22,550 पे अभी हमारा जो है फिन निफ्टी है। अगर मैं इसका कॉल लेना चाहूँ 1000 रुपये से, आपको पता है फिन निफ्टी के अंदर एक लॉट के अंदर 40 क्वांटिटी होती है, तो कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लेते हैं कितने रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट हम ले सकते हैं। देखिए 1000 भागे 40 में अगर कर दूँ यहाँ पे, तो फिन निफ्टी का कोई 25 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 25 रुपये तक का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम बाई कर सकते हैं, चाहे हम कॉल साइड में बाई करें चाहे हम पुट साइड में बाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी आप देख सकते हो 22,550 का जो कॉल है वो भी 10-11 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। इसको लेने के लिए हमको 450 रुपये की ही ज़रूरत पड़ेगी, 1000 रुपये की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो है 50 रुपये वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम 1000 में नहीं ले सकते हैं। तो अगर मैं 450 रुपये वाला यह कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ 22,550 का, इसको बाई करते हैं, चलिए बाई पे क्लिक करते हैं, क्वान्टिटी में 40 ही रहने देते हैं, आप चाहें तो क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं, 80 क्वांटिटी कर सकते हैं, 80 क्वांटिटी भी हम 1000 रुपये में खरीद सकते हैं, क्योंकि हम 25 रुपये तक का कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 10.5 रुपये का ही अभी है, तो इसको हम यहाँ पे लिमिट लगा करके 10.45 रुपये पे इसको बाई करते हैं। और देखिए ऑर्डर हमारा तुरंत यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा जो प्राइस था वो मैच कर गया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 10.20 रुपये में ये बाई हो चुका है अभी हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, और इसको हम जाके अपने यहाँ पे ऑर्डर के अंदर देख सकते हैं, पोजिशन के अंदर 10.20 रुपये में हमने इसको बाई किया था, और अभी देखिए 9.50 रुपये 9.80 रुपये पे ये मार्केट हमारा आ चुका है, यानी जहाँ पे ख़रीदा था हमने वहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे आया हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, कम पैसे से आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 2-3 रुपये पे रख सकते हैं आप। वैसे 10 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हमने बाई किया है तो करीब 400 रुपये हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, और देखते हैं इसमें कितने तक का प्रॉफिट हो जाता है। अगर ये 12 रुपये पे चला जाता है, करीबन 12 रुपये से ऊपर जाता है तो मैं इसको सेल करूँगा, तो हमको करीबन यहाँ पे 80-90 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला होगा, ठीक है। तो अभी तो देख रहे हैं हमारे जो बाई प्राइस है उससे भी नीचे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट करते हैं। अभी देखिए मार्केट हमारा गिरा और अभी ये 8 पे आ चुका है, मैं यहाँ पे 5 पे जो है यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा। 5 पे अगर मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा, ठीक है। 5 पे मैं अपना स्टॉप लॉस चलिए यहाँ पे बना देता हूँ। अगर मैं चाहूँ स्टॉप लॉस लगाना तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे मैं क्लिक करूँगा, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूँगा, स्टॉप लॉस लिमिट पे क्लिक करूँगा,
और यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लिमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइस में मैं 5 रुपये डाल दूंगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में मैं 4 रुपये, सॉरी यहाँ पे 4 रुपये 95 पैसे डाल दूंगा, सॉरी यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बढ़ा के डालना पड़ेगा ट्रिगर प्राइस में, 5 रुपये 5 पैसे में डाल देता हूँ, ठीक है 5 रुपये 5 पैसे में यहाँ पे डाल के स्टॉप लॉस लगा देता हूँ अपना। 5 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है, अभी अभी मार्केट हमारा 9 रुपये पे है, तो अब हमारा स्टॉप लॉस भी लग चुका है और हमारा टारगेट हमको पता है कि 12 रुपये का होने वाला है करीब। 12 रुपये से ऊपर जब जाएगा तो हम सेल करेंगे। तो अब वेट करते हैं, देखते हैं उठ किस करवट बैठता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमको होता है लॉस या होता है प्रॉफिट। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं कि 12 रुपये के ऊपर मार्केट जा चुका है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस को चलते हैं अपने यहाँ पे करते हैं कैंसिल, कैंसिल करके फिर से चलते हैं अपने ऑर्डर के ऊपर, और यहाँ पे देखिए 12 रुपये का हम यहाँ पे टारगेट लगा देते हैं अपना, और 12 रुपये के ऊपर जितना भी प्राइस जाएगा उस पर ये सेल हो जाएगा। तो अभी है 12 रुपये के ऊपर, हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाया अपना, और ये देखिए ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो भी गया है, और देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये सेलिंग हो चुकी है, और हमको यहाँ पे करीबन करीबन यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पे सेल हुआ है, यहाँ पे हमने 10 रुपये 20 पैसे से इसको खरीदा था और 12 रुपये पे हमने इसको सेल किया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे करीब करीब हमको यहाँ पे 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है 80 रुपये का प्रॉफिट हमको यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है ऑर्डर स्टेटस में देख भी सकते हैं 80 रुपये का प्रॉफिट हमको हुआ है, और यहाँ पे सारे चार्जेस काटने के बाद भी हमें जो है यहाँ पे लगभग 75 से 76 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है 75-76 रुपये हमारे घर पे यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप कम पैसे में ट्रेड कर सकते हो, बट आपको ध्यान देना होगा कि आपको एक्सपायरी वाले दिन जो है एक्सपायरी वाले इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि कोई जीरो ब्रोकरेज वाला अकाउंट हो। और आप ट्रेड जब कर रहे हैं तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप जो है 12 बजे के बाद ही ट्रेड करिए, जिसमें आप लोगों को जो है प्रीमियम कम दाम पे जो है एट द मनी का के पास तो मिल जाए, कम से कम एट द मनी के पास यहाँ पे आपको मिल जाए कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि देखिए ऑप्शन चेन में खोल के देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,552 पे अभी मार्केट चल रहा है, और 22,550 का हमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, यानी इन द मनी का ही कॉल हमको यहाँ पे मिला है लगभग कम पैसे में ही। तो आप सभी लोग भी ट्राई कर सकते हो, ये आप लोग इस तरह से कम पैसे में ट्रेड ले सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ 400 रुपये में ट्रेड लिया, अगर ये 20 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट होता तो यहाँ पे हमको लगभग आप मान के चलिए कि 160-170 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता 1,000 रुपये में सिर्फ, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्रेड करते सकते हो ऑप्शन में, और बाकी वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियो आती है, आप उसको भी देख सकते हो कैसे हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, कैसा हमको किस दिशा में ट्रेड लेना है, चार्ट पैटर्न सब कुछ हम यहाँ पे अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री में बताते हैं। तो आप भी इसका फायदा ले सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।